तो गाइस पहले YouTube के ऊपर एक बाढ़ आई थी YouTube वर्सेस TikTok और अब ये बाढ़ आई है कि मित्र एप्लीकेशन पाकिस्तानी है। What's up guys, welcome back to the channel ईशान टेक वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ मित्र एप्लीकेशन के बारे में, जिसको प्रमोट किया गया था इंडिया का बोल के, मतलब ये एक इंडियन एप्लीकेशन है, लेकिन जब दिन गुजरते गए तो उसके बाद में पता लगा कि ये एक पाकिस्तानी एप्लीकेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर पूरी कहानी क्या है इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपसे इस वीडियो में बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मिनट का भी दोस्तों वीडियो स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना अगर आपको पूरा मैटर ये समझना है। तो गाइस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कॉन्ट्रोवर्सी होने के बाद में जब टिकटॉक बैन इंडिया का हैशटैग बहुत टॉप पे चल रहा था, तो ऐसे टाइम पे मित्रों ने बाजी मारी और मित्र एप्लीकेशन बीच में ही, जहां पर मित्रों को ऐसा प्रमोट किया गया कि ये एक इंडियन एप्लीकेशन है, और उसके बाद में इसके व्यूअर्स एकदम जो ना जबरदस्त बढ़े, पिछले कुछ 6 से 7 दिन में 50 लाख से ज़्यादा इसके व्यूअर्स हो गए थे। लेकिन कुछ दिन जब गुजरे तो उसके बाद में पता लगता है कि जो मित्र एप्लीकेशन है वो एक पाकिस्तानी एप्लीकेशन है। अब दोस्तों ये बात है कैसे, मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान में कंपनी है बॉक्सेस नाम की, उसका एक एम्प्लॉई है इरफान शेख, उसने दोस्तों इंडियन मीडिया को ये बताया कि मित्र एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है वो हमने बनाया है। अब गाइस इस एम्प्लॉय के हिसाब से जो बॉक्सेस कंपनी है पाकिस्तान की, इनका काम यह है कि ये एक एप्लीकेशन के सोर्स कोड बना के कोड कैनियन पे सेल करते हैं, और वहां पर इन्होंने इसका प्राइस रखा था $34, मतलब 2500 या 2700 के करीब। तो वहां से दोस्तों इन लोगों ने क्या करा, उस सोर्स कोड को परचेस किया, परचेस करने के बाद में इसको रीब्रांड किया मित्रों के नाम पर, क्योंकि जब पाकिस्तान ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था तो वो टाइम पे इसका नाम रखा था टिक टिक, जिसको टिकटॉक का क्लोन वर्जन भी बोल रहे थे, लेकिन इसका सोर्स कोड उन्होंने कोड कैनियन पे सेल किया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कोड कैनियन जो है ना वो क्या चीज़ है, क्योंकि आपने ज्यादातर यूट्यूबर्स की वीडियो में देखा होगा कि कोड कैनियन पे सोर्स कोड सेल किया, ये काफी सारी चीज़ आपने देखी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं समझने के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि कोड कैनियन जो है ना, आप समझ लीजिए कि इस तरीके का ऐसा मार्केट है जहां पर कंपनीज अपने सोर्स कोड बना के डालती है, मतलब जैसे कि अगर आपको कोई HTML है आपने वो डाल दिया, कोई वेबसाइट का HTML आपने बना के डाल दिया, और वहां पर दूसरे लोग आके उस चीज़ को परचेस करते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों शर्त ये है कि जो रॉयल्टी होती है वो डेवलपर के पास ही रहती है। बिल्कुल उसी हिसाब से जैसे कि आपने फोटोज़ की वेबसाइट देख ली होगी, stockimages.com, getimages.com, अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो अपने फोटोज़ का वहां पर लिस्ट कर सकते हो, वहां पर से फोटो सेल होंगे, लेकिन रॉयल्टी जो है ना दोस्तों वो जो ओरिजिनल फोटोग्राफर है उसी को जाती है। तो दोस्तों यहां पर भी सेम चीज है, भले ही आपने कोड कैनियन से उसके सोर्स कोड को परचेस कर लिया है, लेकिन जो रॉयल्टी होती है वो डेवलपर के पास ही रहती है। यहां पर दोस्तों हुआ क्या कि बॉक्सेस कंपनी ने इसके सोर्स कोड को सेल करने के लिए डाला था, पर इसको खरीदा गया, खरीदने के बाद में इसको रीब्रांड करके इसका नाम रखा गया मित्र एप्लीकेशन, और लोगों में इसको ऐसा प्रमोट किया गया कि ये एक इंडियन एप्लीकेशन है। अब यहां पर दोस्तों प्रमोशन भी बहुत ईजिली हो गया, क्योंकि वो टाइम था जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की जो है ना एक रेस लगी हुई थी, एक वॉर चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और ऐसी सिचुएशन में दोस्तों इस चीज़ का फायदा उठाया गया, लिंक दिया गया बाकायदा, और कहा गया कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल करो, चाइनीज एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करो और इंडियन एप्लीकेशन डालो जो आपको टिकटॉक जैसा ही फील देगा। तो ये दोस्तों इसकी पूरी एक कहानी है। अब दोस्तों इसके बारे में इरफान शेख से पूछा गया, जो कि एम्प्लॉय है बॉक्सेस कंपनी के पाकिस्तान में, तो उससे पूछा गया कि भाई जब तुम्हारी एप्लीकेशन है तो तुमने इस चीज़ को सेल करने के लिए डाला ही क्यों। तो उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हुए इस एम्प्लॉय ने ये कहा कि हमारी कंपनी का काम ही यही है कि हम सोर्स कोड बनाते हैं और उसके बाद में उसको सेल करने के लिए डाल देते हैं कोड कैनियन पे। अब यहाँ पर दोस्तों उसने ये कहा है कि ठीक है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, अगर सामने से आपने परचेस किया, आप उसको यूज़ कर रहे हो, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात जब हो जाती है, बात बिगड़ जब जाती है, जब आप दूसरे की क्रिएटिविटी को अपना टैग लगा के सेल कर रहे हो, मतलब ये क्रिएटिविटी एक्चुअली में बॉक्सेस कंपनी की थी जो कि पाकिस्तान से, लेकिन टैग लगा रहे अपना। जनरली क्या हो रहा है दोस्तों कि जिस किसी ने भी इस एप्लीकेशन के सोर्स को उसको परचेस किया है वो एक्चुअली में इंडियंस के सेंटिमेंट्स के साथ में खेला है, उसको ये बता कि भाई ये एक इंडियन एप्लीकेशन है। तो गाइस मित्रों एप्लीकेशन के पाकिस्तानी एप्लीकेशन होने की जो वजह थी वो यही थी। तो गाइस मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, और जो भी यूट्यूबर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा है उसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको बताया जाए कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो झूठ है, मतलब कि जो भी इस चीज़ को आपके सेंटिमेंट्स के साथ में, मतलब जो एज एन इंडियन आपकी सेंटिमेंट्स को सामने रख के जो है ना आपको झूठ बताया जा रहा है वो चीज़ गलत है। सिर्फ एक सच्चाई बताने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है हर यूट्यूबर की तरफ से। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत ही कम परसेंटेज में है,
जो इसको भी इंडिया पाकिस्तान में इन्वॉल्व करेंगे, मतलब इंडिया पाकिस्तान उसके बाद से फिर इंडिया पाकिस्तान से ये चीज़ खिंच जाती है हिंदू मुसलमान। तो गाइज मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ये एक एप्लीकेशन की बात है सिर्फ, जो एक अचानक से सामने निकल के बात आई है। और मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत भी है, क्योंकि अगर आप एक क्रिएटर हो और कोई दूसरा इंसान आपकी मेहनत को लेके अपना टैग लगा के उसके ऊपर फिर उसको बेचे, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ बुरी लगेगी और वो चीज़ गलत भी है। तो इसको दोस्तों पॉजिटिव चीज़ में लेने की कोशिश कीजिए। कमेंट में जो है ना बिल्कुल भी दोस्तों गाली ये सब मत लिखना, समझना इस चीज़ को कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और वो सारे यूट्यूबर जो आपके सामने सच्चाई रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज़ आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताना, गाली है यह सब और लड़ाई वड़ाई इंडिया पाकिस्तान प्लीज़ ये सब मत करना। तो चलिए गाइज मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद में आप वीडियो को सब जगह पर शेयर कर दीजिए ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसे कंटेंट वाले वीडियोज़ लाते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।